Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, लिटिल बाय लिटिल पोयम हमने कल रीड किया था, तो आपने लिटिल बाय लिटिल में देखा था कि कैसे अकॉर्न अपने बारे में बता रहा था। अकॉर्न मीन्स अपनी स्टोरी बता रहा था। तो आई थिंक कि आपको वो स्टोरी समझ में आई होगी, पोयम आपको समझ में आई होगी अकॉर्न की, कि कैसे धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते हैं या हमारी नेचुरल जो भी चीजें हैं, सभी चीज चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, तो सभी जैसे धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं, वैसे ही अकॉर्न भी इम्प्रूव करके एक क्या बन जाता है, विशाल ट्री बन जाता है, बड़ा सा एक ओक ट्री बन जाता है। तो बेटा आज हम लोग उसी की एक्सरसाइजेस रीड करेंगे। एक्सरसाइजेस में है लेट्स ट्राई वन, और आज हम इसको पिक्चर के थ्रू, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में दिया है ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द लिटिल अकॉर्न, मीन्स आपको बेटा ड्रॉ करना है एंड उसके बारे में स्टोरी, लिटिल अकॉर्न की स्टोरी आपको लिखनी है। ओके, आप यहाँ पे देखोगे बेटा लेट्स ट्राई वन में ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द लिटिल अकॉर्न, यानी मीन्स लिटिल अकॉर्न की आपको स्टोरी यहाँ पे ड्रॉ करनी है और स्टोरी नोट करनी है। तो आइए हम बोर्ड पे इस पे देखते हैं कि क्या है, कैसे है। सो लेट्स ट्राई वन। यहाँ पे बेटा ये सीट बने हुए हैं। तो फर्स्ट द लिटिल सीट मीन्स स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, सेकेंड थर्ड क्या हुआ एंड फोर्थ में क्या हुआ। तो फर्स्ट है, फर्स्ट द लिटिल सीट फेल ऑन द मॉसी फॉरेस्ट फ्लोर एंड हाइड इन द ग्राउंड, मीन्स ये सीट बने हुए, तो लिटिल सीट फेल ऑन द मॉसी फॉरेस्ट। मॉसी मीन्स बताया था जो मॉस मीन्स जहाँ पे ग्रीन कलर की जो होती है काई जो लगी होती है, तो उसमें जो फर्श पे, तो बेटा वो ग्राउंड में छुपे होते हैं बेटा। तो फर्स्ट द लिटिल सीट फेल ऑन द मॉसी फॉरेस्ट फ्लोर एंड हिड इन द ग्राउंड। यहाँ पे बेटा हिड है, हाइट का पास्ट वर्ड है, तो हिड मीन्स कि यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले लिटिल सीड यानी कि छोटा सा बीज मॉसी फॉरेस्ट फ्लोर पे गिरा, मतलब फर्श पे गिरा और क्या हो गया, धरती में धीरे धीरे वो क्या हो गया, छुप गया। ओके, तो नेक्स्ट है then it sent a root into the ground and a tiny shoot up into the air, means then फिर क्या हुआ, first तो ये seed आया, फिर seed धरती पे गिरा छुप गया, फिर next क्या हुआ, then it sent a root, धीरे धीरे फिर उस seed में से धीरे धीरे क्या आए बेटा, root आए, ठीक है, root ये जड़ होते हैं, तो ये root आए into the ground, ground में आए एंड और टाइनी शूट अप इंटू द एयर, और टाइनी शूट अप इंटू द एयर, और ये रूट आया उसके बाद, मीन्स कि आपके सीड के बाद यहाँ पे क्या आया, रूट आया, और धीरे धीरे फिर उसमें शूट आना शुरू हो गया। रूट के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं बेटा, शूट कहते हैं। एंड नेक्स्ट है देन लिटिल लीव्स बिगन टू अपीयर, उसके बाद क्या आया, देन लिटिल लीव्स यानी छोटी छोटी पत्तियां फिर उसमें से बिगन टू अपियर दिखाई देने लगी, दिखाई देना स्टार्ट हो गए, ठीक है। फाइनली क्या हुआ बेटा, स्लेंडर ब्रांचेज अपियर्ड एंड द अकॉर्न टर्न्ड इनटू अ माइट ओक। फाइनली क्या हुआ, स्लेंडर मीन्स बेटा वर्ड मीनिंग में आपने पढ़ा होगा, स्लेंडर मीन्स थिन होता है, तो थिन ब्रांचेज मीन्स कि धीरे धीरे उसके थिन ब्रांचेज अपियर्ड होने लगे यानी दिखाई देने लगे, एंड द अकॉर्न टर्न्ड इनटू ए माइट ओक, और अकॉर्न किस में चेंज हो गया, एक माइटी ओक यानी बहुत बड़े पेड़ में, बहुत बड़े ओक ट्री में चेंज हो गया। सो सबसे फर्स्ट हम क्या देखा हमने बेटा, सीड देन रूट देन लीव्स एंड देन माइट ओक। ओके बेटा, यहाँ पे ये माइटी ओक होगा। ओके, तो ये ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ इसमें आपको बुक में ही ड्रॉ भी करना है और राइट भी नोट भी करना है। एंड नेक्स्ट है लेट्स ट्राई टू। तो बेटा देखो, इन पोयम अ सेट ऑफ लाइंस इज कॉल्ड अ स्टैंजा,
जो लाइंस की सेट होती है, जो आप बुक में आपने जो रीडिंग की होगी पोयम, तो उसमें जो लाइंस की सेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंजा। जो आपने रीडिंग किया था ना उसमें, उसको स्टैंजा कहते हैं। पूरा एक फोर लाइन का एक स्टैंजा है। तो उस स्टैंजा में, एक पोयम में जो राइमिंग वर्ड्स आए थे उनको हमें नोट करना है। तो राइमिंग वर्ड्स हम लेट्स ट्राई टू में क्या कहते हैं, स्टैंजा से हमने लिया है। तो लेट्स ट्राई टू में आइए राइमिंग वर्ड्स रीड करते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स में बेटा, पोयम आपने जब रीड किया था तो उसमें देखा था ना, लिटिल बाय लिटिल एनाकॉर्न सैड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। तो बेटा अब हम लेट्स ट्राई टू राइमिंग वर्ड्स रीड करते हैं। पोयम के स्टैंजा से ये राइमिंग वर्ड्स लिए गए हैं, जैसे कि आप लोगों ने कल पढ़ा था, लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सैंक एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। तो यहाँ पे क्या आया, सेड एंड बेड। राइमिंग वर्ड क्या बना, सेड एंड बेड। एंड आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। तो बेटा यहाँ पे डे एंड अवे क्या बना, डे अवे राइमिंग वर्ड बन गया। फिर नेक्स्ट लाइन है, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव लिटिल बाय लिटिल इट सिफ्ट द ड्यू। तो यहाँ पे ग्रीव एंड ड्यू दोनों क्या क्या है बेटा, राइमिंग वर्ड। एंड नेक्स्ट ये स्टैंजा वन का था। एंड नेक्स्ट स्टैंजा टू, स्टैंजा टू में हम फिर से रीड करते हैं और देखते हैं कि राइमिंग वर्ड उसमें क्या बनते हैं। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूप अप इन द एयर स्प्रांग अ टाइनी शूट। तो देखो बेटा इसमें क्या बना, रूट एंड शूट। ओके एंड नेक्स्ट डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। तो क्या बना, यस ईयर एंड अपीयर इज द राइमिंग वर्ड। एंड द स्लेंडर ब्रांच एज द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। तो यहाँ पे क्या बना, यस वाइड एंड प्राइड, वाइड एंड प्राइड आर द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम स्टैंजा टू। बेटा यहाँ पे हमने एस वन यानी स्टैंजा वन लिखा है एंड यहाँ पे स्टैंजा टू। तो आई थिंक कि बेटा ये आपको पोयम और ये एक्सरसाइज लेट्स ट्राई वन एंड टू समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट बेटा अब हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे क्लास में रीड करते हैं। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द